नमस्कार, ये आपका भारत लाइव है और भारत लाइव पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। आज बिहार में और बिहार ही क्यों, देश भर में किसानों को लेकर के आंदोलन चल रहा है। वहीं जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने किसानों के समर्थन में बिहार बंद का आह्वान किया है, उसका समर्थन किया है, वहीं बड़े भैया तेज प्रताप यादव दूसरी ही राह पकड़ चुके हैं। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव राष्ट्रीय जनता दल से धीरे धीरे दूरी बना रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले काफी दिनों से किसी भी कार्यक्रम में उनका उपस्थिति दर्ज नहीं हुआ है। लगातार इस बात को लेकर के वो अपने छात्र जनशक्ति परिषद के आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। हालांकि लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किए गए कार्यक्रमों में शामिल नहीं होते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं नाराजगी खत्म नहीं हुई है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव लगातार केंद्र सरकार को घेरने में लगे हुए हैं, चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो या फिर जातीय जनगणना की बात हो, उसके लिए पूरी योजनाएं बना रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, लेकिन ये पहला ऐसा मौका होगा जब राष्ट्रीय जनता दल विरोध प्रदर्शन कर रही हो और तेज प्रताप यादव घर में आराम कर रहे हो। हालांकि एक दिन पहले वो जबरदस्त ढंग से अपनी पार्टी, जो नया उन्होंने गठबंधन बनाया है, उसे पार्टी आप अभी तत्काल नहीं कहें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जो गठबंधन उन्होंने बनाया है छात्र जनशक्ति परिषद, जिसके कई बैठकें हो चुकी हैं, प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बनाया है प्रशांत प्रताप को, जिनके अगुवाई में लगातार सदस्यता अभियान चल रहा है और सदस्यता अभियान को कई लाख तक पहुंचाने की बात की जा रही है। इसके साथ ही हमने आपको दिखाया खबरों के माध्यम से कि किस तरह से तेज प्रताप यादव अपनी बातें रख रहे हैं और वो बिहार ही नहीं उत्तर प्रदेश तक जाने की बात कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि वो राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह से नजर नहीं आया और कल उन्होंने सीधे तौर पे अपने ही प्रतिद्वंदी कह लीजिए, क्योंकि तेज प्रताप यादव के हाथ से ही जो स्वास्थ्य विभाग है वो छीन करके दिया गया था मंगल पांडे को। आपको याद होगा कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं तेज प्रताप यादव और वर्तमान मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके आवास के इर्द गिर्द दलित बस्ती को जकनपुर इलाका है और इस इलाके में कहीं ना कहीं आपको पता है कि चितकोहड़ा और जकनपुर के इलाके में दलित बस्तियां हैं। चितकोहड़ा में दलित बस्ती को हटाने के लिए पुलिस ने जिस तरह से अतिक्रमण के नाम पर जो कुछ भी किया उसको लेकर लोगों के बीच में काफी आक्रोश था और लोगों ने तेज प्रताप यादव को शिकायत की। तेज प्रताप यादव बिना रुके वहां पहुंचे और लोगों की हुई क्षति को पूर्ति करने के लिए उन्होंने पूरी तरह से सरकार को घेरा और कहा कि सरकार दलितों के प्रति किस तरह का अत्याचार कर रही। जहां एक तरफ आपने देखा कि किस तरह से तेजस्वी यादव केंद्र सरकार को घेरने में लगे हुए हैं, वहीं तेज प्रताप यादव बिहार सरकार और बिहार सरकार के मंत्रियों को इसलिए घेरने में लगे हुए हैं कि उनके द्वारा दलितों को पर अत्याचार किया जा रहा है। इन सारी बातों के बीच आज जो कुछ भी बिहार भारत बंद को के दौरान हो रहा है उसमें तेज प्रताप की अनुपस्थिति कहीं ना कहीं खल रही है। देखिए तेज प्रताप किस तरह से पूरी संगठन को लेकर के चल रहे हैं और नया कलेवर नए तेवर के साथ तेज प्रताप यादव को आप देखिएगा तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से दोनों भाई के बीच में कहीं ना कहीं खटास पैदा हो गई। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।